हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वह है राजस्थान, यानी कि राजस्थान के बारे में हम, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके अंदर क्या निकलता है क्या नहीं, वो सभी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो राज्य कौन सा है, वह है राजस्थान। राजधानी कौन है, जयपुर। क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़, यानी कि 6,85,448। पुरुष जो है वो 3.35 करोड़ है, महिला जो है वो 3.29 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जो जनगणना है ये 2011 की आंकड़ों के अनुसार है। लिंग अनुपात जो है 928 प्रति 1,000 पुरुषों पर, यानी 1,000 पुरुषों पर 928 स्त्री हैं। साक्षरता जो है वो 61.1% है। पुरुष साक्षरता जो है वो 79.2% है। महिला साक्षरता है वो 52.1% है। सीमा जो है वो उत्तर के अंदर पंजाब राज्य से मिलती है, पूर्व में जो उत्तर प्रदेश से मिलती है, और दक्षिण में जो गुजरात और पश्चिम में पाकिस्तान के अंदर राजस्थान की सीमा लगती है। राजभाषा कौन सी है, हिंदी राजभाषा है। राजकीय पशु कौन सा है, चिंकारा राजकीय पशु है। अब ऊँट को भी शामिल कर लिया गया है। राजकीय पक्षी है वो गोडावण है, और राजकीय फूल जो है वो रोहिड़ा है। जिले कितने हैं उसके अंदर, तो 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर। विधानमंडल जो है वो 1 सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या वो 25 है। प्रमुख लोक नृत्य वो डांडिया और पनेरी है, और प्रमुख जनजातियाँ जो है भील, ग्रासिया, सेरिया और मीना जाती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है वो 10 है, और राज्य स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च को है। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख नियाल सिंह हैं। प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो हीरालाल शास्त्री थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वह राजस्थान था। हेवी गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हल्दी कहा जाता है। भारत का मक्का मदीना भी अजमेर को ही कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वह जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,400 कुछ है समथिंग। सबसे छोटा जिला है वो राजस्थान का धौलपुर है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली। पूरे भारत के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली ही है, राजस्थान के अलावा भी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह सांभर है। सांभर एकमात्र ऐसी झील है जो भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, और वर्मा मंदिर जो वो पुष्कर अजमेर में स्थित है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो महाराणा कुमार ने बनाए थे। डाईदीन का झोंपड़ा तथा रब्बा जी मोहिद्दीन जी की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। भारत में 8 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया गया था। जो परमाणु परीक्षण था वो भारत का पहला 1974 के अंदर राजस्थान के अंदर किया गया था। राजस्थान में थार मरुस्थल है, यानी कि एकमात्र मरुस्थल जो भारत का वो राजस्थान में ही है। माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान राज्य में है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में, ये पानी की समस्या के लिए पश्चिम राजस्थान में बनाई गई है। अब इसका जो इसकी जो लिप नहर है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर धीरे धीरे आ रही है, वहाँ पर भी पानी की कमी हो रही है थोड़ी बहुत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे राजस्थान के अंदर जो सीधे तौर पर प्रथम तौर पर पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, वो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिए हैं। और इससे अगर कोई बाहर भी जाता है तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक नोटबुक और पेन लेके वीडियो को दोबारा देख लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।